ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं बनाने जा रही हूँ भगवान श्री गणेश का सबसे प्रिय भोजन मोदक। तो उसके लिए मैंने पैन लिया, उसमें घी गरम किया और नारियल घिसा हुआ उसको मैंने उसमें फ्राई कर लिया है। अब मैं उसमें गुड़ डाल रही हूँ और मैं इसे अच्छे से इसमें पका लूँगी। ये नारियल और गुड़ काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब मैं धीमी आंच में इसे पकाती रहूंगी थोड़ी देर और। अब मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया ठंडा होने के लिए और मैं ये इलायची ले ली है और मैं इसे पीस कर इसमें मिक्स कर दूंगी। ठंडे होने के बाद ही आपको इसे मिक्स करना है। तो ये हो गई मोदक की फिलिंग। अब मुझे मोदक के कवर बनाने हैं। ये देखिए, मैंने चावल का आटे को अच्छे से छान लिया है और पैन में पानी ले लिया है एक कटोरी और उसे गर्म होने दिया और फिर इसमें मैंने देसी घी डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं और मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा ही थोड़ा सा दूध डाला है। दूध में बहुत अच्छी उबाल आ रही है। अब मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। ये महाराष्ट्र की डिश है और भगवान को वहाँ पर श्री गणेश भगवान को बहुत अच्छे से वो लोग इसी चावल के आटे के मोदक बनाकर ही भोग लगाते हैं। ये मैंने धीरे धीरे चावल का आटा डाला और उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ध्यान रहे कि लम्स बिल्कुल भी ना पड़े। ये मैं चावल के आटे को बहुत अच्छे से पका रही हूँ। ये धीमी आंच में पकाकर मैंने इसको गैस से उतार लिया है पैन को और उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर इसकी अच्छा सा गोला बना लूँगी। गोला बनाने के बाद मैं इसे एक कटोरी का साइज़ दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। फिर इसमें मैं फिलिंग को भर लूँगी। अब इसे धीमे धीमे से पूरे कोनों से दबाते हुए, जैसे हम फिलिंग पराठे की फिलिंग बनाते हैं वैसे दबाते हुए, इसको थोड़ा सा ऊपर से लंबा सा आकार दे दूंगी मोदक जैसा। और आप चाहें तो इसे मोल्ड में भी डालकर बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोल्ड नहीं था, मैं आपको ऐसे ही बना रही हूँ। ये आप ऐसे चाकू से या चम्मच से किसी भी चीज़ से इसमें ऐसे मोदक के जैसे इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये मेरे मोदक तैयार हैं, ये देखिए। अब मैंने एक छेददार छन्नी ले लिया है या आप कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसमें मुझे इन मोदक को स्टीम करना है। ये मैंने भगोने में पानी लेकर गर्म कर दिया है, ऊपर ये बर्तन रख दिया, उसमें सारे मोदक रख दिए हैं। अब मुझे एक अच्छा सा स्टीम देना है इन्हें। मैंने ढककर इन्हें रख दिया है 15 मिनट के लिए। ये देखिए मेरे मोदक स्टीम होकर निकल आए हैं, कितने अच्छे मोदक तैयार हो गए हैं। मैं तो जा रही हूँ इन मोदकों का भोग लगाने भगवान को। आप भी बनाइए और अपने श्री गणेश भगवान को खुश करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।